सो गाइस आज के वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं फ्री फायर के सबसे खतरनाक सबसे डेंजरस टॉप 5 वर्सेस। और ये वर्सेस फ्री फायर के किसी नॉर्मल प्लेयर के नहीं है, बल्कि ये टॉप 5 वर्सेस बड़े बड़े यूट्यूबर के बीच में हुई है, जिसमें हमारा राइस्टार, विंसेंजो, व्हाइट ट्रिपल फोर ये सब भी शामिल है। एंड गाइस आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को राइस्टार वर्सेस स्मूथ ट्रिपल फोर का रियल वर्सेस भी दिखाऊंगा, और इन दोनों के बीच में क्या ही वर्सेस हुआ था भाई, वो आप लोगों को आज के वीडियो में पता चलेगा। तो इसीलिए वीडियो बहुत ज्यादा ही मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारी वर्सेस नंबर 5 से, और ये वर्सेस व्हाइट ट्रिपल फोर और नूब्रू के बीच में हुई थी। और व्हाइट ट्रिपल फोर को आप लोग जानते ही होंगे, इसका गेम प्ले हैकरों के जैसा है। एंड नूब्रू की बात करें तो ये एक स्पोर्ट्स प्लेयर है, और इन दोनों के बीच में क्या ही वर्सेस हुआ था वो आप लोग इस क्लिप में देखो। But don't back it up. Shoot on deck if you're trying to get backed up. It's broken boy, bitch, you don't need to throw rags up. I put that on my mama. तो गाइस आप लोगों ने इस क्लिप में देखा, व्हाइट ट्रिपल फोर ने नूब्रू को इस कस्टम में 0-7 से हराया। इससे शायद आपको अंदाजा लग गया होगा कि इन दोनों में से कौन प्रो है और कौन नूब है। बट इस कस्टम के बाद व्हाइट ट्रिपल फोर के साथ बहुत ज्यादा ही बुरा हुआ, क्योंकि नूब्रू को 0-7 से हराने के बाद गरीना फ्री फायर ने व्हाइट ट्रिपल फोर की आईडी को हमेशा के लिए बैन कर दिया, और व्हाइट ट्रिपल फोर को बहुत ज्यादा ही नुकसान हुआ। तो गाइस इन दोनों में से आपका फेवरेट यूट्यूबर और फेवरेट प्लेयर कौन है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। एंड अब हम चलते हैं हमारी वर्सेस नंबर 4 की तरफ, और ये वर्सेस हमें एमेटन और रोक एफएफ के बीच में देखने के लिए मिली थी। एंड सच में इन दोनों का गेम प्ले हैकरों के जैसा है, और ये भी क्या खतरनाक वर्सेस थी वो आप लोग इस क्लिप में देखो। आप लोगों ने इस क्लिप में देखा, रोक एफएफ इस कस्टम को 5-7 से जीत जाता है, और एमएटेन का भी जवाब नहीं। एमएटेन ने भी इस कस्टम में रोक एफएफ को 5 बार मारा, बट कस्टम जीतने की बात थी तो वो रोक एफएफ ने जीता। तो इसे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इन दोनों में से कौन प्रो है और कौन नूब है। बाय द वे गाइस, इन दोनों में से आपका फेवरेट यूट्यूबर और फेवरेट प्लेयर कौन है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अब हम चलते हैं हमारी वर्सेस नंबर 3 के तरफ, और ये वर्सेस हमें लोकेश गेमर और टैलेंट प्रोस के बीच में देखने के लिए मिली थी। और गाइस दो नूब प्लेयर को अगर 1v1 कराया जाए तो कौन जीतेगा वो आप लोग इस क्लिप में देखो। आप लोगों ने देखा, अगर दोनों प्लेयर को 1v1 कस्टम में उतार दिया जाए तो कौन जीतेगा। और सच में लोकेश गेमर का गेम प्ले देखकर ऐसे ही मुझे हंसी आती है। तो आप लोग सोच ही सकते हो कि इस कस्टम को देखने के बाद मेरा क्या हाल हुआ होगा। तो बस इन दोनों में से आपको सबसे बेस्ट गेम प्ले किसका लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड अब हम चलते हैं हमारी वर्सेस नंबर 2 के तरफ, और ये वर्सेस हमें राइस्टार और व्हाइट ट्रिपल फोर के बीच में देखने के लिए मिली थी। और शायद से आप लोग इन दोनों का गेम प्ले देखे ही होंगे, इन दोनों का गेम प्ले बिल्कुल हैकरों के जैसा है। एंड अगर दो लेजेंड को 1v1 कस्टम में उतार दिया जाए तो कौन जीतेगा वो आप लोग इस क्लिप में देखो। तो बस
आप लोगों ने इस क्लिप में जरूर देखा होगा इन दोनों का गेम प्ले बिल्कुल हैकरों के जैसा था। इस कस्टमर राइस्टार ने व्हाइट ट्रिपल फोर को 6-7 से हरा दिया, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन प्रो है और कौन नूब। लेकिन यार व्हाइट ट्रिपल फोर को नूब नहीं बोल सकते क्योंकि व्हाइट ट्रिपल फोर ने इस कस्टम में 6 राउंड तक सर्वाइव किया एंड इन दोनों का गेम प्ले नेक्स्ट लेवल का था। इन दोनों में से आपका फेवरेट यूट्यूबर और फेवरेट प्लेयर कौन है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अब हम चलते हैं हमारी वर्सेस नंबर 1 के तरफ और ये वर्सेस हमें राइस्टार और स्मूथ ट्रिपल फोर के बीच में देखने के लिए मिली थी। और ये दोनों ही हमारे इंडियन सर्वर के लेजेंड है। इन दोनों के बीच में क्या ही फाइट हुई थी वो आप लोग इस क्लिप में देखो। बस आप लोगों ने इस क्लिप में देखा होगा कि इन दोनों का गेम प्ले बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का था। बट लास्ट वाले राउंड में मुझे ये लगा था कि राइस्टार स्मूथ को मार देगा लेकिन यहाँ पर होता उल्टा है। स्मूथ ट्रिपल फोर राइस्टार को वन टैप मार देता है और इसके साथ स्मूथ इस कस्टम को 6-7 से जीत जाता है। तो बस इन दोनों में से सबसे बेस्ट गेम प्ले आपको किसका लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट जरूर से कर देना।